नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए के जॉब्स अड्डा में। तो दोस्तों, NTT के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 22, 23 और 25 जुलाई को एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं NTT के जून सेशन के। तो दोस्तों, उसके संबंध में आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसके हेल्प से आप जो है कैंडिडेट्स बड़ी ही आसानी से जो है पेपर को क्लियर कर पाएंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिनके हेल्प से जो कैंडिडेट्स हैं वो आसानी से अपने जो पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। तो एक रिक्वेस्ट और कर दूँ मेरे दोस्तों को, जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ दोस्तों बेल के आइकॉन को प्रेस करके उसमें से ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट ईयर का एक पेपर लिया है जिसके एग्जाम्पल दे करके आपको मैं समझा पाऊँ कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहली बात है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो है तीन पेपर होंगे आपके, DECE 0, 1, 2 और 3 पेपर, जिसकी एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों 22 जुलाई, 23 जुलाई और 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। 2022 की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, टोटल अंक जो रहते हैं इसमें 100 मार्क्स का पेपर रहता है। टाइम जो रहता है 3 घंटे इसके लिए रहता है अटैम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहली जो ट्रिक है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जाते ही टाइम कम होने के चक्कर में जल्दी से पेपर को शुरू कर देते हैं, बट वो ऊपर ये नोट जो है पढ़ना भूल जाते हैं। यहीं पर मैं बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहली बात, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अनिवार्य लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रश्न अनिवार्य है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है, उसको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करते हो, स्किप करते हो, तो दोस्तों आपका फेल होना लाजमी है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। उसके अलावा दोस्तों, टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से आपको बाकी 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट रहते हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 नंबर क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, क पार्ट और ख पार्ट। दोस्तों, दोनों को मिला करके आपको एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपरले फर्स्ट पार्ट जो क है उसके 15 मार्क्स और ख पार्ट के 5 मार्क्स हैं। ऐसे ही दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट के अलग अलग जो कि नंबर दिए जाते हैं। सेकंड से लेकर फर्स्ट लेकर सेवन्थ तक क्वेश्चन की नंबरिंग रहती है। उसके हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे। और देखिए दोस्तों, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 6th क्वेश्चन है, इसमें क ख ग घ और ड ड 6 पार्ट हैं दोस्तों, 5 पार्ट हैं दोस्तों। 5 पार्ट के लिए दोस्तों आपके लिए 4 नंबर हर एक पार्ट के लिए दिया जा रहा है। तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना है। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज भरिएगा, इससे ज़्यादा पेज नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका जो है क्वेश्चन छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो ट्रिक है, लास्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो है फर्स्ट पेपर करते समय उनके जो है क्वेश्चन छूट जाते हैं लास्ट में। दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है लास्ट में 5 या 10 मिनट रह गए और आपका 1 या 2 पूरे का पूरा क्वेश्चन जो रहता है, तो आपने क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन लिख करके उसके अलावा उसी क्वेश्चन के जो हेडिंग है आप खुले खुले लिख देंगे हर एक पेज पे। जैसे कि हर एक क्वेश्चन जो है 3 पेजों में आपने कंप्लीट करना है, तो 3 पेजों में आप दोस्तों इनके हेडिंग को फैला देना है, ताकि एक पूरा क्वेश्चन आपका भरा हुआ नज़र आए। उसके अलावा दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पेपर का भी ऐसे करना है। अगर 2 क्वेश्चन पेपर अगर आपके क्वेश्चन रह गए, तो उसके लिए उसमें क्या होगा दोस्तों, आपके जो 2 क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए आपको बिल्कुल 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम से कम 50 या फिर 30% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो है क्वालिफाई करना, पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है लास्ट में या फिर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन लिख करके अगर पिछला या अगला कोई भी क्वेश्चन है जो इससे मिलता जुलता है, उसके ऑप्शंस या उसकी डेफिनेशन से मिलती जुलती है, तो उसके जो है आपने रिपीट कर देना है। रिपीट करेंगे तो आपको जो है मार्क्स जरूर मिलेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि एक जो पेपर है पूरी बुक रहती है एक पेपर की, तो उसमें एक ही टॉपिक जो है बार बार लिखा होता है, इसलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को रिपीट कर देना आपका, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तीसरा दोस्तों, लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें कई सारे बच्चों ने क्या किया है, लास्ट में कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं मुझे प्लीज़ पास कर दिया जाए, मैं गरीब घर से हूँ, या ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों कभी भी पास नहीं किया जाता है। और कुछ दोस्तों ने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर
कुछ पैसे जो है टेप कर देते हैं या चिपका देते हैं तो मुझे पास कर दिया जाए, ऐसा लिखते हैं, रिश्वत दी जाती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करने से बिल्कुल भी आपको पास नहीं किया जाएगा। जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं दोस्तों अगर आप वो फॉलो करते हो तो बड़ी ही आसानी से आप जो पास हो सकते हो। तो ये ट्रिक्स बहुत ही काम की है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस जानकारी का फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपने टोटल 5 करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करना है। तो ये था आज का ट्रिक्स का जो वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर दबा के कर देना दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, जय हिंद दोस्तों।